ठीक ठीक है चलो। सही रहता है पढ़ाने के लिए, पर कोई नहीं कहीं। सो अपन देखो जो स्टार्टिंग से अपन पढ़ रहे थे ना, मैं आज कंबाइंड अप कर रहा हूँ इस चैप्टर को, ठीक है। और जो सबसे स्टार्टिंग चीज पढ़ी थी मैंने, हमने वो था रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो इफ अ पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर क्या होता है बताओ? देन द रिमाइंडर इज पी एट ए। इफ पी एट ए इज इक्वल टू जीरो, दैट इंप्लाइज एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ हेलो, सर, यस सर, याद है ना? ये तो पहले पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा था। वापस अब इस कंबाइंड अप कराउंड चैप्टर, क्योंकि कई बार लोग नए आए, लोग नए गए, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस टू को डिवाइड किया एक्स माइनस टू से, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन से पहले डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है रिमाइंडर। कैसे डिवाइड करते हैं? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। सर्वेश तेरे को रिमोट कंट्रोल को चाहिए स्क्रीन का? एक्स स्क्वायर, पढ़ाई पे ध्यान रखा करना भाई, फालतू काम जितना कराना करा ले तेरे से कोई। एक्स क्यूब ये कट गया, यहां आ गया, क्या आया तुम्हारा बताओ? टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स। मैं लॉन्ग, मैं सिंपल सी बात है, मैं लॉन्ग डिवीजन कर रहा हूं, सबको क्लियर? इतना माइनस टू एक्स किया, कितना आएगा? टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ये काट दिया, कितना आया? माइनस एक्स प्लस टू आया। अपन क्या करेंगे बताओ? माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? माइनस एक्स प्लस टू आ गया, कट गया ना। ये बात समझ में आई क्या? इसका सर, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका फैक्टर है ना। अब इसको शॉर्टकट से कैसे देख सकते हो? एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस टू तुम्हारा क्या है? पॉलिनोमियल है ना। हमको क्या चेक करना है कि एक्स माइनस टू फैक्टर है या नहीं है? एक्स माइनस टू फैक्टर है ना। तो क्या करेंगे अपन? पी ऑफ, तो अपन क्या करते हैं, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू टू पुट कर देते हैं ना, तो पी ऑफ टू निकालते हैं। पी ऑफ टू कितना आ रहा है? एट माइनस फाइव इंटू टू प्लस टू, कितनी आ गई वैल्यू बताइए? टेन, नहीं सॉरी जीरो। अबे भाई जीरो आई ना। हाँ सर, वैल्यू जीरो आ गई ना, दैट मीन्स क्या प्रूव हो गया कि एक्स माइनस टू इज फैक्टर। ये क्लियर है क्या? यस सर, आप साथ साथ कॉपी करते रहो, नोट्स यस कॉपी सर, करते रहो, नोट्स कॉपी करते रहो। वो 12 आएगा ना आंसर, कहाँ पे? 8 माइनस 5 3 इंटू 2 प्लस 2 4। अरे यार 5 इंटू 2 है भाई, 8 माइनस 10 प्लस 2 हुआ ना यार। पहले हाँ सर, मल्टीप्लाई कर, पहले मल्टीप्लाई करते हो ना, पहले एडिशन थोड़ी ना करने बैठ जाते भैया। कॉपी कर लिए? एक मिनट सर, एक मिनट। कर लिया सर, एक मिनट एक मिनट।
रब करें, एक मिनट सर, लास्ट का थोड़ा। हो गया सर। कॉपी कर लिए ना? ठीक है सर। यस सर। ठीक है, इफ एक्स की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x minus x plus 1, फाइंड रिमाइंडर, बताओ कितना आएगा? कितना आएगा रिमाइंडर? 1। हाँ, अपना p ऑफ x क्या है? x की पावर 5 प्लस x प्लस 1 है ना, और x प्लस 1 से डिवाइड करना है ना, अपन क्या निकालेंगे? x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो क्या निकालेंगे? p ऑफ माइनस 1। कितना आ रहा है p ऑफ माइनस 1? माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कट गया ना। कितना आया रिमाइंडर? सर x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है वो प्लस 1 हो जाएगा। हाँ, ये प्लस 1 हो गया, फिर ये और ये कट जाएगा और ये रह जाएगा, तो आंसर विल बी प्लस 1। कितना क्लियर है? इफ x की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 16 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, फाइंड रिमाइंडर। नाइनटीन P of 1 निकालना पड़ेगा ना, 16 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 19 है ना, ये बात चमकती है क्या? यस सर। चेक वेदर x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ 7x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 1। नहीं है सर। नहीं है। नो है ना, क्यों? सर फाइनल आंसर जीरो नहीं आएगा। रिमाइंडर जीरो नहीं। रिमाइंडर कितना आया है? 2 आया है ना। 2 तो नहीं है ना। नहीं है सर। चेक वेदर एक्स माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ 5 - 4 चेक करो। यस सर, फैक्टर p ऑफ 3 कितना आ रहा है? 3 की पावर 5 3 की पावर 4 माइनस 162 व्हिच इज 0 ना, इसका मतलब ये फैक्टर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है वो फैक्टर है, है, है। ये जो है वो फैक्टर है। इतना क्लियर है? कॉपी करो। यस सर। कॉपी करो।
हेलो सर। हाँ बोलो सर। इसके ऊपर वाले में सर बॉर्ड मास लगाएंगे तो फिर तो सर वो जीरो आएगा ही। क्या लगाएंगे? बॉर्ड मास। किसमें? वो जो देखो ना सर, 7-6+1=0 होगा ना, ये एडिशन पहले आता है। कौन बोल रहा है? नाम क्या है तुम्हारा? सर दर्श। दर्श सर दिमाग ले, क्या 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 बोलना क्या चाह रहे हो तुम? व्हाट यू वांट टू से? करो जो करना है करो। सेवन भाई काय की बॉर्ड मास वगैरह, सात में से छह गया, कितना बचता है बे? वन प्लस पर सर पहले 6+1 करना पड़ता है ना। अरे नहीं भाई, ये किसने कहा तुमको? अरे वो 6+1 नहीं, -6+1 है भाई। मेरे -6 है यहाँ पे यार। ओ हाँ हाँ, सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर। ठीक है, फिर एक होता है तुम्हारा यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, जो स्टेट करता है इफ क्या क्या बोलते हैं अंदर वाले को, क्या बोलते हैं डिविडेंड, इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई dx, then remainder rx is a polynomial of degree less than degree of dx. And px is dx into quotient plus rx. Euclid's division theorem कहते हैं इसको। क्या है ये? समझो, ये तुम ऑलरेडी करते आए हो बहुत बार। तुमने कल पहले भी किया, x क्यूब माइनस x प्लस 1 को तुम x माइनस, अगर तुम x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कैसा आता है? ax प्लस बी। निकालते हैं रिमाइंडर, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? x x क्यूब माइनस x, ये भी कट गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम क्या है? x क्यूब अपना वही है ना बेसिक वाला, कि जो भी अंदर की चीज रहेगी दैट इज ऑलवेज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये बात समझ में आती है क्या? रिमाइंडर जो रहता है उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होता है। एक कम होता है, एक कम जरूरी नहीं मतलब कम होता है, एक कम होता है या नहीं होता है, दो कम भी हो सकता है लेकिन कम होता है। अच्छा है भाई सिंपल चीज बताओ, 95 को तुम 5 से डिवाइड, 95 को तुम अब 11 से डिवाइड करते हो तो कब तक डिवाइड करते जाते हो? 88 तक है ना, उसके बाद 7 बच जाता है। तुम कहते हो 7 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है, 7 जो है तुम्हारा क्या है 11 से छोटा है ना। हाँ, सेम चीज यूक्लिड्स डिविजन थ्योरम कहती है कि अगर पी एक्स इज डिवाइडेड बाई डी एक्स देन रिमाइंडर आर एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डी एक्स। ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ हाँ, कॉपी करो इस चीज को।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस। तो देखो सिंपल सी बात है, मान लो x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 को मैं डिवाइड कर रहा हूं x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस 5 से, ठीक है? तो रिमाइंडर कैसा आ सकता है ये बताओ। लीनियर या फिर कांस्टेंट? लीनियर आ सकता है ना। रिमाइंडर जो आ सकता है वो क्या हो सकता है? ax प्लस b हो सकता है ना। यस, क्योंकि यहां पे डिग्री क्या है? क्वाड्रेटिक है सर। यहां पे डिग्री क्या है? 2 है ना। सो यूक्लिड्स थ्योरम क्या कहती है कि रिमाइंडर डिग्री कम होगी, डिग्री शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। ये बात चमकती है। अब यहां पे कुछ कोशेंट होगा है ना, तो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम कहता क्या है? x क्यूब माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू, बोलो, x स्क्वायर माइनस 5 इंटू क्यू एक्स प्लस एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। ये बात क्लियर है क्या? यस। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुमको एक मजेदार चीज दिखाता हूं, ठीक है, तुमको मजा आएगा। x की पावर फोर, तुमको एक्चुअली फोर में तुमने उस चीज को बहुत सोचोगे, बहुत सिंपल है ये तो, और मैं टफ कर दूंगा तो फिर तुम, ठीक है ना। एक काम करते हैं, x की पावर 100 माइनस, यू नीड टू अप्रिशिएट द यूक्लिड थ्योरम, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या सिखाना चाह रहा था। तो कट जाएगा सीधा यार, यहाँ ऐड कट रहा है ना। I need to give something else. X square. If I give 5, then it becomes बहुत बड़ा. Oh, I need to give some simple questions. ठीक है ना, पहले simple करें. इसकी power 5 minus x plus 1. इसको divide करना है x square minus 5x plus 2. ठीक है? Find remainder. एक तरीका क्या है? Direct long division. Direct long division. पहले आप लोग सब लोग लॉन डिवीजन से करके इसका रिमाइंडर निकालिए, मेरी बताइए कितना आता है। पहले सभी लोग लॉन्ग डिवीजन से करके इसका रिमाइंडर निकालें। एवरीबॉडी लॉन्ग डिवीजन से करके इसका रिमाइंडर निकालो पहले। सब लोग को डिवाइड करने आना चाहिए भाई। कितना है? -64x-113। पता नहीं, बाकी लोग कंफर्म करें इस आंसर को, फिर आगे बढ़ूंगा मैं।
आया है क्या? सिक्सटी फोर एक्स माइनस 113 आया है कि नहीं आया है? सर मुझे माइनस 66 एक्स प्लस 115 आया। कितना तुम्हारा कितना आ रहा है? नहीं आ रहा 66 एक्स प्लस 115। एक बच्चे ने अभी क्या बोला, नहीं आ रहा है? हाँ सर। क्या नहीं आ रहा है कि क्या आंसर आ रहा है? हेलो सर। हाँ सर, मेरा 126x माइनस 113 आ रहा है। और मेरा भी 64x माइनस 64x माइनस सर मेरा x स्क्वायर से स्टार्टिंग आ रहा है। किसका आ रहा है x स्क्वायर स्टार्टिंग? कौन है ये, क्या नाम है? क्रिस्टीन कितना आ रहा है? क्रिस्टीन सर। सर वो मेरा थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था सर, 64 ही आ रहा है मेरा भी। ठीक है, तुम्हारा रूही कितना आया है? 64x माइनस 113। करना कैसे है? कुछ करना ही नहीं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। x की पावर 4 गया, माइनस 5x क्यूब आया, प्लस 6x स्क्वायर आया। आई होप सबको लॉन्ग डिविजन करने आना चाहिए यार, अगर नहीं आता फिर इसमें क्या, इसके बिना कैसे कर सकते हैं हम कोई भी चीज यार। माइनस x अभी क्या होगा यहाँ पे, प्लस 5x से मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आ जाएगा 5x क्यूब माइनस 25x स्क्वायर प्लस 30x। वापस से माइनस करोगे कितना आ रहा है सर? माइनस 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, माइनस 5x। क्यों भाई? हाँ सही है, नहीं नहीं सही कह रहा है, माइनस माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी तो। एक मिनट करना क्या, नहीं नहीं सही तो है सर, 1 नहीं लिखा तो एक बार में सारा थोड़ी कॉपी कर लेते हैं, करना है कर लो, अंतर नहीं पड़ता ना वैसे भी। ठीक है, कितना आ रहा है बताओ मल्टीप्लाई करने पे? 19x स्क्वायर माइनस 31x माइनस 31x प्लस 1। हाँ अब वापस से प्लस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19x स्क्वायर 95x 19 6 सारी टेबल याद हो जाएगी मुझे आज, 114। कितना आ रहा है ये? 64x माइनस 113 आ गया ना आंसर। ये बहुत ही लंबा तरीका हुआ ना। अब इसको अगर यूक्लिड थ्योरम से करें थोड़ा फास्ट। यूक्लिड थ्योरम क्या कहता है? व्हाट इज यूक्लिड थ्योरम? इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू कोशेंट एक्स और प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर मालूम है ना हमको इस केस में क्या होगा? इसकी डिग्री कितनी है? डिवाइजर की 2 है ना, सो रिमाइंडर इज एक्स प्लस बी। अब हो सकता है कभी a 0 हो जाए, हमको नहीं मतलब उससे, लेकिन लिखना क्या पड़ेगा ax plus b। क्यों लिखना पड़ेगा ax plus b? एक डिग्री कम। एक डिग्री कम नहीं, डिग्री कम। लीनियर इक्वेशन डिग्री कम, एक डिग्री कम नहीं, डिग्री कम। ठीक है, डिग्री कम, एक डिग्री कम मत बोला करो। ठीक है, डिग्री कम। अच्छा हाँ, इस केस में तो यहाँ पर तो ax plus b लिखा है, ठीक है चलेगा, सॉरी। तो अब अरे यार मैं सेम चीज बार बार लिख रहा हूँ। अब बोलो कुछ स्मार्टनेस है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ स्मार्टनेस कर सकते हैं क्या हम लोग बताओ? Yes, sir. एक बार एक्स को 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4। और एक बार एक्स को 3 डालेंगे है ना, तो 2 डालोगे तो क्या बन जाएगा? 16 में से 16 प्लस 1 17 माइनस 2 15 2a प्लस b। और एक बार इसको 3 डालो, 3 की पावर 4 81 प्लस 1 82 माइनस 3 79।
इज इक्वल टू 3a प्लस b। अरे ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। इन दोनों को सॉल्व कर लो। yes, आपका a कितना आ गया? 64 आ गया है ना, और b आ जाएगा आपका -113। तो दिस इज अ मच स्मार्टर वे। ये जो तरीका है ये ज्यादा स्मार्ट है, थोड़ा सा लेंदी है ना। यूक्लिड थ्योरम वाला लेकिन ऊपर वाला थोड़ा इधर। अरे मूर्ख ये देख, मैं तेरे को दिया x की पावर 100 माइनस 1 को डिवाइड करने को x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कर दे निकाल, मेरा रिमाइंडर निकाल लेगा, लेंदी जाएगा, लेंदी जाएगा। लॉन्ग डिवीजन से करना पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। कितना पेज लगेगा? 25-30 पेज लग जाएंगे है ना। और यूक्लिड थ्योरम से एक पेज, आधा पेज भी नहीं होगा ना। यूक्लिड थ्योरम तो सीधा खत्म कर देगा क्वेश्चन को। एस की पावर 100 माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इंटू पी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, समझे? अब डालोगे एक्स को 2। हाँ सर समझा। तो 2 की पावर 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी बेटा है ना। और 3 तो 3 की पावर 100 माइनस 1 इक्वल टू 3a प्लस बी। चमक रहा है क्या बे? अभी सीधा माइनस करेगा तो a आ गया तेरा, b आ गया ना बे, है ना। हाँ सर फास्ट है ना, बहुत फास्ट सर। वो x माइनस 2 और x माइनस 3 कैसे है? अरे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस इसका फैक्टराइजेशन होता है। लेकिन 2 टू द पावर 100 का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। हमें नहीं निकालना है ना, कौन निकाल सकता है? कोई कैलकुलेटर ही निकाल नहीं सकता है, तो हम कैसे निकालेंगे? ऑप्शन में वैसे ही रहेगा लिखा हुआ, ऑप्शन में 2 की पावर 100 माइनस 3 की पावर 100 ही लिख के आता है। ठीक है सर, वो मेरा 90x माइनस 149 आंसर आ रहा है। हमारा गलत आ रहा है। मैंने तुम्हारे सामने ही तो किया है, अब मैं क्या करूंगा उसमें, है ना। कैलकुलेशन चेक करो, थोड़ा सा ध्यान से करो और क्या, ठीक है। अरे यूक्लिड थ्योरम को अप्रिशिएट करोगे तो ही मजा कर सकते हो। जस्ट अप्रिशिएट द यूक्लिड थ्योरम। इतना क्लियर है सभी को? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साइन स्कीम पे, साइन स्कीम पे। ठीक है, तो साइन स्कीम में अपने स्टेप्स क्या है? फर्स्ट इट शुड बी लीनियर इक्वेशन। हाँ, मतलब सिंपल सी बात है, साइन स्कीम का अपना एप्लीकेशन क्या आता है? ईच लीनियर टर्म शुड बी इक्वेटेड टू जीरो, है ना। इफ हायर डिग्री टर्म्स प्रेजेंट देन क्या करते हैं? अगर हायर डिग्री टर्म प्रेजेंट है तो क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, फाइन, यहां तक क्लियर है? तो अभी क्या करते हैं, जब ईच लीनियर टर्म को अपन जीरो से इक्वेट कर दिया, फिर क्या कहते हैं बताओ? फिर क्या होता है? देन उसको प्लॉट करेंगे। हाँ, वी प्लॉट ईच नंबर वी गॉट इन वन ऑन नंबर लाइन, यही करते हैं। यस सर। द नंबर्स विच वी हैव गॉटन फ्रॉम न्यूमरेटर वी मेक डार्क सर्कल ऑन नंबर लाइन। फॉर दोज वी गॉट फ्रॉम डिनोमिनेटर वी पुट एम्प्टी सर्कल, वी पुट एम्प्टी सर्कल। यहां तक क्लियर है? फोर्थ, यस। नाउ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेकिन फोर्थ के पहले क्या, सबसे पहले क्या आता है फोर्थ में? वी गेट दी
साइन ऑफ एक्सप्रेशन टू द राइट ऑफ राइट मोस्ट नंबर प्लॉटेड। अब क्या करते हैं इसके बाद? हर एक नंबर पे स्टॉप करें। वी विल मूव, वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, स्टॉप एट ईच नंबर, नंबर स्टॉप एट ईच नंबर, है ना? फिर क्या करते हैं? अगर इवन होगा तो साइन चेंज नहीं करते, पावर पे देंगे नंबर। पावर इवन होगी तो साइन सेम रहेगी, पावर ऑर्डर रहेगी तो साइन चेंज। इफ दी इफ दी पावर इज ऑड, किसका पावर? सर वो नंबर, नंबर प्लॉटेड। हाँ, इफ द पावर इज इवन, साइन अनचेंज्ड, साइन अनचेंज्ड। यहां तक क्लियर है? अरे भाई हाँ, या ना, यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर, हाँ यस सर, ठीक है। सो अभी बिल्कुल सिंपल सिंपल, देखो सिंपल सी बात है, ध्यान देना। x माइनस वन, x माइनस टू, x स्क्वायर माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। क्या करते हैं अपन? x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस टू और x प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन पे क्या प्लॉट होगा बताओ? सर पहले वन, वन ट्वेल्व, और टू पे क्या होगा? ओपन, ओपन, और माइनस टू पे भी ओपन। मैं क्यों ओपन रखता हूँ? क्योंकि वो डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। ये प्लस कैसे, ये प्लस निकालना पड़ता है ना? ये प्लस कैसे निकालते हैं अपन? 12 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें डाल के, ठीक है? तो प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, इतना क्लियर है? अभी वो हमेशा प्लस ही आता है ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेस देन इक्वल टू जीरो सॉल्व करना है ना, क्या आंसर आएगा बताओ? कहां पे नेगेटिव है? माइनस टू से वन, यूनियन टू से ट्वेल्व, टू से ट्वेल्व। क्या सबको ये सिंपल सा क्वेश्चन क्लियर है? वन माइनस एक्स, एक्स माइनस फाइव, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ग्रेटर देन जीरो। क्या करेंगे बताइए? वन माइनस एक्स, पहले तो साइन चेंज करेंगे। मत करो ना, क्यों कर रहे हो? क्या अंतर पड़ता है? नेगेटिव साइन को निकालना पड़ेगा। क्यों करें? ऐसे भी ऐसे नहीं कर सकते क्या? हर लीनियर टर्म को जीरो करो ना, करते हैं ना, बताओ ना कितना आएगा? इस वाले को जीरो करोगे तो क्या आएगा? वन आएगा ना। वन नंबर लाइन पे प्लॉट करो बस तुम तो। वन, वन, फाइव, फाइव, जीरो, जीरो, माइनस टू। अब यहाँ पे फाइव के लेफ्ट में साइन क्या आ रहा है बताओ? प्लस, पॉजिटिव। नहीं रे बेटा, नेगेटिव। फाइव से बड़ा नेगेटिव आया ना? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अपने को क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना। क्या आंसर आएगा? माइनस टू से डालना, पांच से बड़ा डालना, इसके अंदर डालना सौ। सौ डाल क्या बनता है बोल? डाल सौ, वन माइनस सौ नेगेटिव आया। क्या आएगा आंसर? माइनस टू से जीरो, यूनियन वन से फाइव। इतनी चीज समझ में आती है क्या भाई सभी को? हाँ सर, सॉल्व करते रहो, कॉपी करते रहो। यहां तक क्लियर है ना? तो अभी आते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन
बाई एक्स माइनस थ्री लेस देन जीरो। अब क्या करें? डिस्क्रिमिनेंट। सर ऊपर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वो ऊपर इक्वेशन तो बेटा आपका बनेगा नहीं ना कुछ भी, तो ऊपर इक्वेशन गंदी बनी सर, उसका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी से लिखा। हाँ इसका रूट तो आ रहा है ना, इसका रूट तो आ ही रहा है ना, क्या रूट आएगा बताओ? 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अरे हाँ या ना, नीचे वाले से क्या आ रहा है? 3। तो नंबर लाइन पे क्या प्लॉट होगा बताओ? 3 माइनस 5 प्लस फाइव प्लस 21 बाई 2 और 3 तो यहाँ आ गया, और 5 माइनस 21 बाई 2 कहाँ गया? पीछे गया ना, ये चमकता है। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? प्लस माइनस, प्लस और माइनस, कितना आंसर आएगा? माइनस इंफिनिटी से। एनीबडी हु इज हैविंग डाउट प्लीज फ्री फील टू आस्क। सर हाँ, 5 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2 का क्या? स्क्वायर टी का रूट निकालने नहीं आता है? माइनस क्या हुआ? 3 इंक्लूड निकालने वाला। अरे चमकता है क्या सर? हाँ सर, वो 3 से ज्यादा ही होगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? 5 प्लस रूट 21 बाय 2। दैट इज गुड थिंग, दैट इज गुड थिंग। आप कॉमन सेंस लगाओ ना, रूट 21 कितना होगा बोलो तो? अप्रोक्सीमेटली 4 और 5 के बीच में ना, तो 5 प्लस 4 और 5 के बीच में कितना हो जाएगा? 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग बाय 2 क्या होगा? 3 से बड़ा होगा ना? हाँ सर। तमका यस सर, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 by x square minus 5 less than 0। अब सॉल्व करो। क्या क्या रूट्स आ रहे हैं बताओ? x plus root 5, x minus root 5 नीचे वाले का। हाँ plus minus root 5 है ना। अभी नंबर लाइन पे प्लॉट करो, क्या आएगा बताओ? root 5 तो श्योर यहाँ पे है, 5 प्लस रूट 21 बाई 2 भी श्योर यहाँ पे है, अब माइनस रूट 5 यहाँ पे है, और 5 माइनस रूट 21 बाई 2 कहाँ जाएगा? माइनस रूट 5 और रूट 5 के बीच में। हाँ क्यों? उससे थोड़ा बड़ा है, पॉजिटिव है ना? हाँ पॉजिटिव है ना, तो माइनस रूट 5 को तो राइट में ही रहेगा ना, पॉजिटिव है तो, है ना? क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये क्लियर है क्या? यस yes, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। नाउ द थिंग इज कि टिल नाउ द क्वाड्रेटिक्स व्हिच यू फाउंड वर फैक्टराइजेबल, ओके? नाउ व्हाट हैपेंस इफ द क्वाड्रेटिक is non-factorizable. Non-factorizable मतलब क्या होता है? Non-real roots. तो कल आपको बताया था ना मैंने, अगर एक quadratic non-real roots है तो क्या होगा वो quadratic? A पे depend. हाँ, that quadratic expression is always greater than zero if A is positive and quadratic expression is always less than zero if A is negative. ये आपको कल बताया था कि नहीं बताया था? हाँ सर बताया था। अरे ये बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना मैंने? हाँ सर। तो x square minus 5x plus 20 ये हमेशा क्या होगा, greater than zero कि less than zero? ये क्या होगा बोलो? इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों बोलो यार? बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो एंड ए इज
ग्रेटर देन जीरो, ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। सर वो ए का मतलब क्या? भाई तुमको नोट्स पढ़ना पड़ेगा यार, ए का मतलब क्या था बे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस क्वालिटी पे कमेंट करो क्या आएगा इसका, डी बताओ क्या है? जीरो से कम। जीरो से कम। फाइव माइनस फोर इंटू माइनस वन इंटू माइनस टेन है ना, नेगेटिव आ गया ना वापस से, तो क्या मालूम चला? इज ऑलवेज नेगेटिव, बिकॉज डी इज नेगेटिव एंड ए इज नेगेटिव। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है बताओ भाई? साफ साफ पूछ रहा हूँ मैं, क्लियर चीज पूछ रहा हूँ, सब क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। तो हाउ वी अप्लाई इन साइन स्कीम, हाउ वी अप्लाई इन साइन स्कीम या इनइक्वालिटी सॉल्विंग, आप कॉपी करो ना साथ साथ मेरे। यस सर। हाँ सर। So the question is, how do we apply in sine scheme? Hello sir. हाँ हाँ सर, पिछले साइड में स्लाइड में ऐसा था कि हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे और ए का भी वैल्यू देख रहे हैं, अगर ए वो सेकेंड इसमें पॉजिटिव होता तो हम उसको पूरे इक्वेशन को पॉजिटिव कर देते थे, तो सर डिस्क्रिमिनेंट का क्या रोल है वहाँ पे, ए से ही पॉजिटिव नेगेटिव पता चल रहा है? नहीं ऐसा नहीं है। अगर ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, इसका ए कैसा है? पॉजिटिव है। और इसका डी कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स आएंगे एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, है ना? ये देखो क्या हो रहा है, टू और थ्री के बीच यहां पे प्लस है, यहां पे माइनस है, प्लस है। तो इफ यू टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन टू एंड थ्री, यू विल गेट नेगेटिव आउटपुट। ये बात समझ में आई? आपका ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बस आपके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड कर रहा है। कल का प्रूफ याद करो, कल का प्रूफ याद है कैसा आया था? एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए बना था ना पूरा सिस्टम तो। यस सर। है ना? तो पहली बात, यहां पे डी पे अगर डी नेगेटिव हुआ था तो उसके बाद ही ना हुआ था कि ये पूरा टर्म क्या बन गया? पॉजिटिव। तो चीजें डिपेंड किस पे कर रही थी? ए पे। आप देखो ना ये वाला क्वाड्रेटिक, इसका ए पॉजिटिव है ना, इसका ए पॉजिटिव है, लेकिन आपका जो रूट्स आ गए ना टू और थ्री, तो टू और थ्री के बीच में साइन कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना? यस सर। अरे क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। So how do you apply this in simple से बात करो, साइन स्कीम अप्लाई कैसे करना है? ध्यान देना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करूंगा इस पे, बस तुम्हें दिखाऊंगा आज ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस दो क्वेश्चन दिखाऊंगा, समझो। लेस देन जीरो ये सॉल्व करना है, ठीक है? सॉल्व कैसे करोगे? नीचे का क्वालिटी देखोगे उसका रियल रूट है क्या? नहीं है। उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया? निगेटिव हो गया, है ना? उसका ए कैसा है? ए पॉजिटिव। इसका मतलब क्या मालूम चला? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज पॉजिटिव ऑलवेज। ये बात चमकती है? तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसा ये क्वेश्चन सेम ये हो गया ना, नीचे में तो पॉजिटिव आ गया ना हमेशा, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गया ना। ये तुम पहले इस चीज को अप्रिशिएट करो कि नीचे में अगर पॉजिटिव बन गया है तो साइन पे अंतर नहीं पड़ेगा ना। सो जो भी इसका आंसर होगा वही पूरे का आंसर होगा ना सर। मतलब देखो ना, नीचे में जो चीज है वो तो हमेशा पॉजिटिव है ना, ये जो नीचे में चीज है ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना। यस सर। ठीक है, तो इसका इफेक्ट ही नहीं आएगा ना कुछ भी। तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुमको साइन नहीं पता होता है कि नहीं? यहां पे तुमको साइन पता चल गया ना? हाँ सर।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू जीरो कितना, जीरो होता है ना। तो आपको क्या आ गया क्वेश्चन, ये आप ऐसे समझ सकते हो या तुम ऐसे समझो ना कि एक्स माइनस वन के नीचे में क्या है, पॉजिटिव है ना। तो जो भी चीज डिपेंड करेगी, जो भी आंसर होगा वो तो एक्स माइनस वन पे ही डिपेंड करेगा ना, नीचे वाला थोड़ा डिपेंड करेगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। अगर सेम ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, एक्स माइनस वन बाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, अब बताओ तो नीचे वाला नेगेटिव आएगा। ऊपर देखते हैं, अब देखते तो हैं पहले, इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, माइनस थ्री, ए क्या है नेगेटिव, इसका मतलब क्या मालूम चला बताओ तो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन लेस देन जीरो है ना हमेशा। अरे इज नेगेटिव ना ऑलवेज है ना, yes. तो ये क्वेश्चन जो होगा किसके बराबर बन जाएगा बताओ, एक्स माइनस वन बाई नेगेटिव चीज लेस देन जीरो है ना, दैट मींस क्या हो जाएगा बोलो, आप सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, क्या सॉल्व करना पड़ेगा आपको, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, ये बात चमकती है क्या? यस सर। याद है क्या बेसिक प्रूफ, पहले आपने क्या किया था? जीरोस निकाल, मतलब नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बेसिक वाला याद करो, पहला दिन वन से बड़े में पॉजिटिव, वन से छोटे में निगेटिव, और फिर x माइनस टू का किया था पॉजिटिव और नेगेटिव, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था ना, अगर मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था बताओ, देखो ध्यान से, टू से बड़े में दोनों पॉजिटिव है ना, वन से टू में क्या हो रहा है, वन से टू में व्हाट इज हैपनिंग, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या बन जाएगा नेगेटिव, और वन से छोटे में क्या हो रहा है, ये भी नेगेटिव है, एंड दिस इज आल्सो नेगेटिव, सो नेगेटिव टू नेगेटिव इज व्हाट, पॉजिटिव। बात समझ, ये बात समझ में आती है? अब इस क्वेश्चन पे वापस से आओ, अब इस क्वेश्चन पे वापस से आओ, देखो x माइनस वन का साइन स्कीम तो x माइनस वन पे बना दिया ना तुमने, और नीचे वाली चीज जो है वो हमेशा क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो आपका क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा, वन पे, बस वन पे ना। सर समझा। और यही चीज अगर मैं ये वाला करूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन लेस देन जीरो, अब बताओ ऊपर वाली चीज क्या है, प्लस है, दिस इज आल्सो माइनस, एंड नीचे वाली चीज जो है वो क्या है, हमेशा माइनस है ना, नेगेटिव है। तो आपका साइन स्कीम किस पे डिपेंड करेगा, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ना, आपका नीचे का चीज हमेशा नेगेटिव हो गया ना दोस्त। तो आप इक्वलेंटली क्या सॉल्व कर रहे हो, यही सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप नेगेटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, जब आप नेगेटिव को इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव साइन, व्हाट हैपेंस, साइन चेंजेस, अपोजिट हो जाता है। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर आप साइन स्कीम सॉल्व कर रहे हो और उसमें आपको एक क्वाड्रेटिक मिलती है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो क्वाड्रेटिक सर फैक्टराइजेबल होगी, या वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल नहीं होगी, है ना। अगर वो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल नहीं है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, नॉन रियल होंगे। अगर एक क्वाड्रेटिक के रूट्स नॉन रियल होते हैं तो वो क्वाड्रेटिक क्या होती है, या तो ऑलवेज पॉजिटिव या तो ऑलवेज नेगेटिव, डिपेंड किस पे करता है, ए और डी पे, ए और डी पे, ठीक है। एक बार पिछले वाला पेज दिखाओ ना, मैं नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। x माइनस वन, एक्स माइनस टू, देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो सॉल्व करना है, बोलो कैसे सॉल्व करें, नीचे की चीज जो है वो क्या है हमेशा बताओ, पॉजिटिव, द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, सो द इक्विवेलेंट क्वेश्चन इज व्हाट, ये बात समझ में आती है? Yes, sir. Plus, minus and plus. Now in the same question, if you would have landed up with this, like say something like this is happening,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स लेस देन जीरो. नाउ व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट क्वेश्चन? आपका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है इसमें? आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है बताओ? नेगेटिव है. नेगेटिव है. ए कैसा है? नेगेटिव है. इसका मतलब जो नीचे की चीज है वो क्या है? इज ऑलवेज नेगेटिव. आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना सीखो ना यार. अगर आपको साइन मालूम है एक्सप्रेशन का, अगर आपको एक्सप्रेशन का साइन मालूम है तो आप सीधा क्या कर दो, साइन लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. कर सकते हो ना? अरे ये बात समझ में आती है क्या? इफ यू नो दिस. अच्छा ये बताओ, आपको हम लोग क्यों कहते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो? क्योंकि आपको साइन स्कीम नहीं पता होता. नीचे नेगेटिव हुआ तो आपको साइन स्कीम नहीं पता होता इसीलिए ना. लेकिन आपको साइन मालूम है कि जो चीज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना. हमेशा बचपन से करते आए हो ना. ठीक है. सो अपन क्या सीख रहे हैं इस टॉपिक में कि इफ इन द साइन स्कीम, इफ इन द इनइक्वालिटी, इफ इन द इनइक्वालिटी यू फाइंड अ क्वाड्रेटिक एंड द क्वाड्रेटिक इज नॉन फैक्टराइजेबल, दैट इज इट हैज नॉन रियल रूट्स. सो इफ अ क्वाड्रेटिक हैज नॉन रियल रूट्स देन वी हैव प्रूव्ड टिल नाउ दैट द क्वाड्रेटिक विल या तो ऑलवेज बी पॉजिटिव या तो इट विल बी ऑलवेज negative depending on the sign of a. If a is positive, if a is positive and d is negative, the quadratic is always, if a is positive and d is negative, quadratic is always positive. If a is negative and d is negative, then the quadratic is always Negative. ये बात चमकती है. Yes. अगर A तुम्हारा पॉजिटिव है, D तुम्हारा नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक तुम्हारा हमेशा पॉजिटिव है. अगर A तुम्हारा नेगेटिव है, D तुम्हारा नेगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक हमेशा तुम्हारा नेगेटिव है. ये बात चमकती है. अब आते हैं अपन एप्लीकेशन पार्ट पे इन द इनइक्वालिटी. तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिला. अगर a नेगेटिव और d पॉजिटिव हुआ तो क्या हुआ? a नेगेटिव और d पॉजिटिव ऐसा सिचुएशन हो सकता है आएगा ना. तो उस केस में तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल हो जाएगी ना. उस केस में तो क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल हो जाएगी, उसके रूट्स प्लॉट हो जाएंगे नंबर लाइन पे. हाँ सर समझ समझा. अभी देखो ना, तो ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका रूट नहीं प्लॉट कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक जो होगी या तो हमेशा पॉजिटिव होगी या तो हमेशा नेगेटिव होगी, डिपेंडिंग ऑन दी साइन ऑफ ए. तो हम लोग इनइक्वालिटी में कैसे सॉल्व करेंगे? उस पोर्शन का वैल्यू मालूम चल गया ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि नहीं. अपन क्या कर देंगे? सीधा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम खत्म कर देंगे. ये बात चमकती है. सर एक बार ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला एक जगह आप लिख सकते हैं? आपको मैं सारा नोट शेयर करूंगा सर. एक जगह रहेगा तो अच्छा, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है. डोंट वरी, वन सेकंड. अभी आपको तुरंत 10 मिनट नोट सारे मिल जाते हैं. ठीक है, चलो एक बार वापस से लिख के समझ लेते हैं. ठीक है, तो अपन ने अभी तो क्या सीखा है कि इफ अ क्वाड्रेटिक हैज नॉन रियल रूट्स, ठीक है, दैट मींस क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो गया है ना. देन quadratic is always greater than zero. If a is greater than zero, quadratic is less than zero. If a is less than zero. बोलो यहां तक क्लियर है? Yes या no? हाँ सर. ठीक है. सो अब मैं साइन स्कीम में क्या कह रहा हूं? साइन स्कीम में मैं क्या कह रहा हूं कि इफ यू फाइंड अ क्वाड्रेटिक जिसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, तो आप उसके साइन पे कमेंट कर सकते हो ना कि वो प्लस है कि माइनस है. यू कैन कमेंट ऑन द साइन ना, वेदर इट इज प्लस और माइनस, यस और नो, है ना? यस सर. ठीक है. सो वी कैन चेंज द, अपन फिर अगर अपन इफ वी आर एबल टू गेट द साइन, देन अपन क्या कर सकते हैं? वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई ना. अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर.
जिस बच्चे ने डाउट पूछा था अभी, एक बार लिख दो, आपको क्लियर है बेटा इसने पूछा था? यस सर। ठीक है, मतलब आप साइन स्कीम बनाने चले, आपको क्वाड्रेटिक मिली, आप फैक्टराइज करोगे, ठीक है। अगर फैक्टराइज नहीं कर पाया, उसके रूट्स है ही नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक या तो ऑलवेज पॉजिटिव है या तो ऑलवेज नेगेटिव है, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ ए। आप रिप्लेस कर दो ना उसको उसके साइन से, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और नया क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ये बताओ क्या होगा? का क्वाड्रेटिक x माइनस वन x माइनस टू लेस देन जीरो पॉजिटिव आएगा। इसका क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, तो इक्विवेलेंट क्वेश्चन क्या बन गया? x माइनस वन x माइनस टू x माइनस टू लेस देन जीरो बना, तो वन और टू आया है ना, प्लस एंड माइनस एंड, आंसर इज वन से टू। यस सर। क्या ये क्लियर है? हाँ सर। यस सर। सभी को क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद अब वापस से साइन स्कीम कभी नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है? ओके सर। सबको क्लियर है अच्छे से? यस सर। ठीक है, अपनी क्लास कल है क्या? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, अपन तो पूरा टॉपिक कवर हो ही गया ना, फाइन। अब मैं आपको प्रलिपको से क्वेश्चन भेजता हूँ साइन स्कीम के, उसको आप करो लीनियर इनइक्वालिटी। ओके सर। ठीक है, ओके सर। हेलो सर। बोलो सर, आपने जो कल जो गेम बताया था और वो जो नंबर ढूंढने बोला था ना, तो सर वो ढूंढा है, लेकिन सर बराबर है कि देखो सर, तो गेम खेलो ना ग्रुप पे, कभी टाइम लगा आधा घंटा गेम खेलते हैं, देखते हैं ना। ओके सर। मैंने भी ढूंढे नंबर, मैंने देखा सर, मैं पूरा ट्राई किया, तो 3 के सीरीज में ऐसा है कि कंडीशन तो ये पहला है कि दो ही प्लेयर रहने चाहिए, तभी 15 पे पहुंचेंगे सर, और अगर बहुत अच्छे से खेल। अरे नहीं रे बच्चा, 15 की बात क्यों पहुंच गए, तो वो नहीं कह रहा हूँ मैं, तो समझा नहीं, ठीक है? सर ने बोला था, मैं कह रहा हूँ 30, तू 30 की बात करना, उसमें एक लॉजिक होता है, लॉजिक ये होता है कि कुछ तो लॉजिक है उसमें, तो तुम बोलो सर। आपने पूछा था कि कौन से नंबर पे पहुंचूंगा कि मैं एकदम डेफिनेटली बताऊंगा कि मैं जीतूंगा करके, तो नंबर तो 15 है, तो 15 पे जब पहुंचेगा तो कंडीशन था कि दो प्लेयर है, दो प्लेयर तो दो ही प्लेयर, मैक्सिमम 3 नंबर बोलेगा तो 18 तक ही पहुंच सकते हैं, अगर कोई एक या फिर दो भी बोलेगा तो समझ गया मैं, तो मैं 15 पे हमेशा पहुंचते रहूं, ये कैसे सामने वाले को फोर्स करूंगा मैं? हाँ, तो उसके लिए सीरीज सर, उसके लिए सीरीज है कि 3, 7, 11, 15, अगर ये चारों नंबर में से कौन से भी एक पे पहुंच गया तो मैं पकड़ के बैठ जाऊंगा, आराम से 15 पे पहुंचना है, लेकिन अल्टीमेटली 15 पे पहुंचना ही है। तुम्हारे सिस्टम एक लकुना है, लकुना ये है कि योर सिस्टम इज वेरी नॉन स्केलेबल। इफ आई गिव यू 50, इफ आई से 50, देन व्हाट विल बी योर, लेट्स से 40, ना मैं गेम बदल दिया, मैं गेम 35 कर दिया, नाउ व्हाट? हाँ तो सर बस 35 से 5 नंबर माइनस करने का, 30, मैं हमेशा 30 पे पहुंच गया कैसे भी करके, तो मैं जीता। सर इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यूज होता है? अबे नहीं बे, एपी वोपी कहाँ यूज करते हैं। हाँ सर, अरे सर सच्ची, अबे छोड़ो, चलो ठीक है, अपन पढ़ाई की बात कर रहे थे, जितना मैंने ये कवर किया इतना सबको क्लियर है क्या फाइनली? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। सर अभी करने हो? मैंने क्लास खत्म कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ओके सर। ओके सर।